जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मूसा इकबाल और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरी किस्वाए काबा की कैलीग्राफी को देखा, लाइक किया, उसको फॉलो किया, बहुत सारे कमेंट्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत खुश हूँ। सो आज के इस व्लॉग में जो मैं कैलीग्राफी बनाने वाला हूँ वो किस्वाए काबा से भी बड़ी है। तो उसका एक तो सबसे पहले फ्रेम लेके आना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों मैं फ्रेम तो लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सबने देखा वीडियो में, तो फ्रेम लेके आना भी बहुत मुश्किल काम था। तो इस कैलीग्राफी का नाम जो आज मैं बनाने वाला हूँ, इसका नाम है हार्ट ऑफ कुरान, मीन सूरत यासीन। तो ये लिखना, ये किस्वाए काबा से भी बड़ा फ्रेम है, मीन जैसे किस्वाए काबा 24x36 उसकी थी विड्थ और लेंथ। तो इसका 36x36 ये एक ही जितनी है। तो इसको इसको बनाना कैसे है मैं आप सबको बताऊंगा भी। इसको स्पाइरल की शक्ल में बनाना है आपको, मैं स्पाइरल भी बनाना सिखाऊंगा और किस तरह से आप लोग मेजर कर सकते हैं तो आपको मैं वो भी बनाना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसको। जी तो आज के इस व्लॉग में मैं जो बनाने वाला हूँ पेंटिंग सूरत यासिन के लिए। सो यासिन के लिए जो मैं कैनवास इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका साइज़ है 36x36 इंचेस। इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ है वो दोनों सेम है। तो आइए हम इसको पेंट करते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेंट हो चुका है। अभी पेंट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। पेंट मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया है। जितना बड़ा है, इसका साइज़ है 36x36, तो पेंट करने बड़ा मुश्किल था, मेरा हाथ ऐसे ऐसे कर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ने इसका किस तरह से मेजरमेंट्स बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी मेजरमेंट्स कैसे होंगी, मैं आपको बताऊँगा इस व्लॉग में। जैसे कि फ़र्ज़ करें, मैं कैनवास आपको दिखा दिया पहले, वो 36x36 है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि ये वो एक स्क्वायर में है और ये भी एक स्क्वायर में है, ठीक है। आपने इसका एक सेंटर निकाल लेना है पहले, ठीक है। सेंटर के इसके पॉइंट पे निशान लगा देना है, ठीक है, और सेंटर में एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद आप जितनी कंपास खोलना चाहते हैं, ठीक है, कंपास खोलने आई थिंक ये होगी 3 इंचेस, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आपने खोल लेना है, ठीक है। आपने इसका एक सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। सेंटर पे हमने पॉइंट रखना है और इसको घुमा देना है कंपास को। ये देखें घूम गई कंपास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। देखें अब आपने इसका स्पाइरल बना लिया, ठीक है। स्पाइरल को आपने कैसे करना है, पहले हमने बी पॉइंट पे रख के इसको बनाया था, अब आपने ए पॉइंट पे रख के इसको कंपास को यहाँ से हमने मूव कर देना है, ठीक है। अब आपने देन दोबारा ही बी पॉइंट पे रखना है कंपास को, इतना हमने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद हमने इसको आगे मूव कर देना है, जैसे ये बन गया स्पाइरल। फिर आपने करना है ए पॉइंट को, फिर हमने ए पॉइंट पे दोबारा रखना है, ठीक है। ए पॉइंट पर रखना है तो फिर दोबारा इसको स्ट्रेच करना है कंपास को, फिर हमने इसको मूव कर देना, जैसे ये बन गया, ठीक है। आपने इसके मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से लगाने हैं, जैसे देख रहे हैं मैं सेंटर में लगाया, तो ये यहाँ से ऐसे 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 लिखा जाएगा इसकी मेजरमेंट्स में। हमने 36x36 इंचज़ को हमने ऐसे ही मेजर करना है। सो दोस्तों, इस बड़े कैनवस पे जो मैं इस यूज़ करने वाला हूँ कंपास, वो ये इतनी बड़ी है, ठीक है। ये आपको इजीली स्टेशनरी की शॉप से मिल जाती है और ये बड़ी अच्छी बनी हुई है, और ये आई थिंक 180 डिग्री तक भी खोल जाती है पूरी। तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा है कि जितने मर्ज़ी आप बड़े सर्कल्स बना सकते हैं ईज़िली, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितने मर्ज़ी बनाएं, जितने मर्ज़ी बड़े बनाएं, जितने मर्ज़ी सेंटीमीटर्स के बनाएं, तो इसका फ़ायदा ये है। तो हम मैंने इस पर यही यूज़ करूँगा। थैया थैया, तेरे इश्क़ के नचाया कर थैया थैया।
का दे।